मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 की आज साइंस की वर्कशीट आई है। ये हमारी वर्कशीट नंबर 2 है। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब पर्टिकुलरली साइंस की है। आज की डेट है 13 जुलाई 2021। तो बच्चे तैयार हैं, तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, हेलो चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स? आपको पता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, तो वो हमें पता है, या आपको सबको पता है कि एक्सक्रीशन जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स जो होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे, डाइजेशन हो गए, एक्सक्रीशन हो गए, रिप्रोडक्शन, जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। तो रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा फीचर है जिसमें कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिस जो कि लिविंग बींग्स की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मतलब वन ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट्स है जिससे हमें पता चलता है कि हम लिविंग हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब पेरेंट्स से जो न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन होती है उसको हम रीप्रोडक्शन कहते हैं। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब पैदा होना, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीशीज और कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बट हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को पैदा करेंगे, जो डॉग्स हैं वो डॉग्स को पैदा करेंगे। क्यों? ताकि उनकी स्पीशीज मेंटेन रहे, मतलब जो उनकी जाति है वो रहे, ठीक है। उनकी जो मतलब जो भी उनकी, जैसे सपोज कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये हमारी एक पर्टिकुलर हमारी कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो ये रहें, ये ख़त्म ना हो जाएं, ओके। इसके लिए रिप्रोडक्शन होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। देखो, प्लांट्स में भी दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बीज पैदा करके होता है, ओके। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अलग वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब उस पर सेक्सुअल ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिससे कि नया पौधा उग जाता है। जैसे आपने आलू में देखा होगा, आलू में ये ट्यूबर्स आ जाते हैं। ये जो ट्यूबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, नए आलू को प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। अच्छा, फिर है सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, रूट्स हो गई, स्टेम्स हो गए, ठीक है, बड्स हो गए, ये इनके वेजिटेटिव पार्ट्स है। अगर इससे नए ऑर्गेनिज्म का नया प्रजनन होता है, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो ये वाले जो रिप्रोडक्शन है हम उनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते, ओके। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे गुलाब है, गुलाब स्टेम से उग जाता है। ये ब्रायोफाइलम नाम की लीफ है, इसमें इसके पीछे छोटे छोटे लीव्स निकल जाती हैं और ये जब नीचे गिरती हैं तो नया प्लांट बना देती हैं। आलू का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये वाले जो हैं, जो स्टेम, ब्रांच और लीव्स से उगते हैं, तो उनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, एनिमल्स में क्या होता है, ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग्स, या तो अंडे देते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स में एग लेइंग, जैसे कि चिकन हो गया, ठीक है, ये दिखा हुआ ना, तो ये होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं ओवीपेरस। ओवीपेरस क्या कहते हैं, ओवीपेरस, ओके। फिर उसके बाद या तो फिर वो यंग वंस को देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, सीधा ही बेबी आता है हाथ में, तो उसको क्या कहते हैं, विवीपेरस। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक आता है ओवीपेरस, एक आता है विवीपेरस। ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले, विवीपेरस मतलब सीधा ऑर्गेनिज्म आ जाए हाथ में, ठीक है, जैसे कि बंदर हो गए, हम हो गए। तो अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। नेम सम एग लेइंग एनिमल्स। तो आपने एग लेइंग एनिमल्स बताने हैं, ठीक है, आपको पता भी है। और इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रिच है, वो भी एग देता है, ये हेन होती है, ये भी एग देती है, ठीक है, पिजन होता है, वो भी एग देता है। तो आप ये ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो। फिर है नेम टू एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो इस पे आप बंदर बोल सकते हो, अपने आप को ह्यूमन बींग्स को बोल सकते हो, ओके। फिर है व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये आंसर नंबर 3 है। और ये क्यों जरूरी है, टू मेंटेन द स्पीशीज और कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, कि हमारी जो जाति है वो बची रहे और लाइफ जो है वो कॉन्टिन्यू चलती रहे, ठीक है। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, एनीथिंग विच इज नॉट, आई मीन आपको समझ नहीं है, विच इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल टू यू, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सभी बच्चे अपना काम कॉपीज़ में कर लेंगे जो मेरे स्कूल के हैं, और बाकी जो लोग हैं वो अपनी कॉपीज़ में ये
क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ताकि आपको रिटेन रहे, आपने जो पढ़ा है ध्यान रहे. ओके, टेक केयर, बाय बाय. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.